खबर झांसी के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र से है, जहां इतवारी गंज में एक प्राइवेट स्कूल के बाहर विद्युत ट्रांसफार्मर रखने से नाराज बच्चों के परिजनों द्वारा विद्युत विभाग से ट्रांसफार्मर हटवाए जाने की मांग की, लेकिन मांग पूरी न होने की वजह से परिजन बीच सड़क पर भीषण गर्मी में धरने पर बैठ गए और अधिकारियों से ट्रांसफार्मर हटवाए जाने की मांग की। उनका कहना है कि स्कूली बच्चों को विद्युत ट्रांसफार्मर से खतरा बना हुआ है, जो कभी भी बड़ा घटना का रूप ले सकता है। सर, हम लोगों की मांग ये है कि जहाँ ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है वो स्कूल के बीच में आ रहा है, गेट के एकदम सामने रखा हुआ है, तो उसको हटाया जाए क्योंकि अब इतना लोड नहीं है और उसको, जबकि हम लोग का स्कूल जगह दे रहा है कि आप कहीं और भी रख सकते हो उसको, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। यहाँ के कुछ लोग विवाद कर रहे हैं इस चीज़ पर, लेकिन इस वजह से स्कूल नहीं खुल पा रहा है, बच्चों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये भी प्रॉब्लम चल रही है कि हम लोग अपने स्कूल को अभी ओपन नहीं कर पा रहे क्योंकि अगर उसमें आग लग गई या कोई कुछ भी हो गया तो छोटे बच्चे उनका क्या होगा। इसलिए तख्ती दुपहरिया बैठे हुए हैं कि रात जिंद हमारा स्कूल है, जो कि बच्चे बहुत निकलते बगलते बगल से हैं और बाकायदा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर यहाँ नहीं होना चाहिए, कहीं आप कहीं भी लगा दिए, लेकिन जनप्रतिनिधि के कारण, माननीय पार्षद जी लोकल जो भी है, उनके कारण समस्याएं खड़ी हैं। ये समस्या जी आती है, बच्चे निकलते हैं जाते हैं, करंट का मामला है। ये स्कूल के छात्रों के छात्र छात्राओं के गार्जियंस हैं। ये स्कूल के मुख्य द्वार के पास एक नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया है विद्युत विभाग ने और रोड पर एक ट्रॉली में एक ट्रांसफार्मर और लगा दिया है, जिससे मुख्य द्वार और ट्रांसफार्मर की दूरी कुल 2-3 फुट की बची है। तो और ये ट्रांसफार्मर पर बीच बीच में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, शॉर्ट सर्किट होता रहता है और गरम तेल आदि झटक के बाहर गिरता है। तो इसलिए विद्यालय प्रबंधन उस स्थिति में बच्चों की जान को जोखिम लेके स्कूल के विद्यार्थियों को स्कूल में आने से मना कर रहा है, रोक रहा है। झांसी से राजू सिंह के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।